सालासर हनुमान जी की कहानी। सालासर बालाजी का मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह सालासर शहर के केंद्र में है, जो जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। आप जयपुर या बीकानेर दोनों से सालासर जी मंदिर पहुंच सकते हैं। सालासर बालाजी प्रसिद्ध हनुमान जी का नाम है। यह हनुमान जी के कुछ गिनती के मंदिरों में से एक होगा, जिसमें भगवान की मूर्ति में मूछे और दाढ़ी है। सालासर जी के भक्त देश विदेश में बड़ी संख्या में हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सालासर हनुमान जी के पास जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। सालासर जी में भगवान को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह गेहूं के आटे से बनी प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे चूरमा कहा जाता है। आप मंदिर में ही प्रसाद खरीद सकते हैं। सालासर जी की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले राजस्थान के असोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। जब उसका हल एक पत्थर से टकरा गया, तो वह हैरान हो गया। उसने रुककर पत्थर को खोदा, तो पाया कि वह हनुमान जी की मूर्ति है। यह मूर्ति श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मिली थी। श्रावण मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई से अगस्त के दौरान पड़ता है। उसी समय गांव असोटा के जमींदार ने एक सपना देखा, जिसमें उसे सालासर जी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से सालासर जी में रहने वाले मोहनदास नामक हनुमान जी के एक भक्त को भी हनुमान जी ने सपने में अपनी मूर्ति असोटा से सालासर जी लाने का आदेश दिया था। इस प्रकार सालासर जी के मंदिर की स्थापना हुई। सालासर जी में बड़े मेले मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीनों के दौरान आयोजित किए जाते हैं। मेले के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। मेले के दौरान सालासर हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।